वेलकम जी, आज हम चलेंगे एक्सरसाइज 1.3 पंजाब के 9th क्लास के पहले चैप्टर का। ठीक है, चलें। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। इन सारे में से ए से लेकर ये डी ई एफ तक किसने कहा है कि आप बताएं कौन से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल हैं, फॉर एडिशन, एडिशन के लिए कौन कौन से पॉसिबल हैं, तो देख लें जरा सा। अब यहाँ पर जो एक मिनट, ये मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस को बाहर ले लूँ, आपको जैसे समझ आ जाए। देखिए यहाँ पर ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ये आ गया आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब कौन कौन से मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल हैं, अब फॉर द एडिशन, मैं मल्टीप्लिकेशन बार बार बोले जा रहा हूँ, लेकिन फॉर द एडिशन के लिए पूछना है। ठीक है जी, चलें देख लेते। अब देखें बेटा जी, एडिशन में तो वो एक जैसे होते हैं, अगर आप देखें, आपको मैंने समझाया था कि एडिशन के लिए वो एक जैसे मल्टी होते हैं एडिशन जिनके आर्डर सेम। क्या मैट्रिक्स ए का 2x2 आर्डर है, इसका आपका आर्डर कितना है, रो 2 है, कॉलम 1 है। सी का आर्डर कौन सा है, 3x2 आर्डर है। अच्छा, डी का क्या आर्डर है, डी का है 2x1। अच्छा, इसका आर्डर क्या है, 2x2। एफ का कौन सा आर्डर है, इसका आर्डर है 3x2। अब देखें जिन जिन के आर्डर सेम है वो एडिशन हो सकते हैं। अब ए किसके साथ एडिशन हो सकता है, ए हो सकता है 2x2, ई के साथ एडिशन हो सकता है एक। ए किसके और किसी के साथ एडिशन हो सकती है, ए और किसी के साथ ऐड नहीं हो सकता। तो चलें, ये एक पॉसिबिलिटी है हमारे पास, फर्स्ट नंबर। दूसरी, अब ये पूछ रहा है, यानी कि ए ई के साथ भी ऐड हो सकता है, तो ई ए के साथ भी ऐड हो सकती है, तो ये दो पॉसिबिलिटीज आप कह सकते हैं, चलें कह सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी, बी के साथ कौन कौन से मल्टी एडिशन हो सकते हैं, बी के साथ जिसका आर्डर 2x1 हो तो डी ऐड हो सकता है। बी के साथ कौन सा ऐड हो सकता है, डी ऐड हो सकता है आपका, क्योंकि इन दोनों के आर्डर सेम है। अच्छा जी, 2x1 किसी और का आर्डर है, नहीं है, तो सर डी में फिर बी भी ऐड हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तीसरी, सी में क्या ऐड हो सकता है, सी में, अब इसका आर्डर है 3x2, तो इसका आर्डर 3x2 है, तो सी में एफ ऐड हो सकता है या एफ में सी ऐड हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे हो गए। ये तो पहला क्वेश्चन इतना आसान था कि चटाक से हम कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहता है कि फाइंड, क्या मालूम कीजिए, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। इनका एडिटिव इनवर्स मालूम करना है, इनका एडिटिव इनवर्स। देखें जी आप, कैसे हम इसका एडिटिव इनवर्स मालूम करें, इन सारों के एडिटिव इनवर्स मालूम करें। चलिए मैं इसे ले आया आपके अगले पेज पर, तो देखें एडिटिव इनवर्स किसका, इन सब का मालूम करना। ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इनवर्स का जैसे आपको पता है कि अगर ए मैट्रिक्स हो तो एडिटिव इनवर्स 2, -2, 4 और 1 है। एडिटिव इनवर्स के लिए हम इसी मैट्रिक्स में माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बी इसके साथ हम माइनस को एड मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 2 प्लस के 2, हर एलिमेंट के साथ माइनस के 4 माइनस के 1, तो ए का एडिटिव इनवर्स है ये। अच्छा, फिर बी का क्या एडिटिव इनवर्स है, देखिए बी कौन सा मैट्रिक्स है, बी आप सारा मैट्रिक्स लिखते हैं, दैट इज 1, 2 और 3, 0, -1 और -2, -1, 3 और 1, इसका एडिटिव इनवर्स मालूम करना है। तो इसका एडिटिव इनवर्स का मकसद क्या, कि इसके हर एलिमेंट के साथ आप माइनस को मल्टीप्लाई करें, तो ये -1, -2, -3, 0 के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 और 2, फिर इसके साथ 1, -3, -1, तो ये आ गया इसका एडिटिव इनवर्स बी का। अच्छा, सी वाले का एडिटिव इनवर्स मालूम करें। अब देखिए सी वाले का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ये आपके पास है 4 और -2, तो इसका एडिटिव इनवर्स बड़ा सिंपल हो जाएगा। देखें सी को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस का 4 और प्लस का 2, ये इसका एडिटिव इनवर्स आ गया। इसी तरीके से आप डी ई और एफ को कर सकते हैं,
एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसमें आप माइनस मल्टीप्लाई करें, ये प्लस के हो जाएंगे और ये माइनस के हो जाएंगे, ये फिर उस डी का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। ई का माइनस मल्टीप्लाई करें तो ये ई का इनवर्स होगा, ये मैंने क्वेश्चन हल कर दिया। अब इसमें एडिटिव इनवर्स तो माइनस मल्टीप्लाई करें, ये माइनस तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा। ये तो आसान था क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए अब थर्ड पे चलते हैं और थर्ड को देखते हैं थर्ड में क्या कहता है। चलिए थर्ड को देखिए, थर्ड में कहता है इफ ए बी एंड सी आर दीज डी आर दीज। अब ये आपको ए बी सी डी इसने दिए हुए, अब देखें इसको थोड़ा सा, ये आपको इसने कुछ मैट्रिक्स दिए गए हैं, सो इसे थोड़ा सा लाना होता है, सो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। चलिए ये मुझे आगे चाहिएगा तो मैं इसे आगे पेज पे पेस्ट कर देता हूँ। जी चलिए आ गया। अगर ये आपके पास हैं, ए है बी है सी है और डी है, तो करना क्या है, करना आपने है कि ये सारे मालूम करने हैं। ए में प्लस करना है, बी में ये प्लस करना है, सी में ये सारी चीज़ें करनी है, यानी कि नौ क्वेश्चन हमें करनी है। तो चलें हम इन नौ क्वेश्चन को भी बाहर ले आते हैं। नौ क्वेश्चन को बाहर कैसे ले आएंगे, थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा ये देखें, नौ क्वेश्चन को हम बाहर ले आते हैं स्क्रीन पर। ये आ गए आपकी स्क्रीन पर आपके नौ क्वेश्चन, ठीक है जी, ये भी आ गया। चलें थोड़ी दिक्कत होगी जब तक मैं इनके प्रोसेस समझ लूँ, नया सॉफ्टवेयर लिया है आप लोगों के लिए। ये हमें करना है हल। अब इसे हल करने के लिए सबसे पहले मैंने इसे लॉक कर दिया और इसे भी हमने लॉक कर दिया, जैसे ये हिल ना, ठीक है। अब ए बी सी दिए गए, अब हम मालूम करें सबसे पहला पहला पार्ट क्या कहता है, ए में ऐड करें वन 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 एंड वन। अब देखिए आपके पास ए है, ए क्या है, ये आपके पास ए है। आप ए को पहले लिखें, व्हाट इज ए, दैट इज माइनस वन टू एंड टू एंड वन। इसमें ऐड करें किसको, वन 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 एंड वन ऐड करें। देखिए माइनस वन में अगर हम वन को ऐड करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, टू में वन को ऐड करेंगे तो थ्री हो जाएगा, टू में वन को ऐड करेंगे तो थ्री हो जाएगा, वन में वन को ऐड करेंगे तो टू हो जाएगा। तो ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। पार्ट नंबर सेकंड कहता है बी में ये ऐड करें, बी बी मैट्रिक्स में ऐड करें आप क्या, माइनस टू और थ्री बी मैट्रिक्स में ऐड करें। अब बी मैट्रिक्स कौन सा है, बी आपका ये पड़ा हुआ है, तो आप इसे बी को उठाएं। बी क्या है, वन है एंड माइनस वन है, इसमें एडिशन करनी है आपने ये वाली, तो ये है माइनस टू और थ्री, एडिशन हो सकती है, दोनों का आर्डर सेम है, तो वन में प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस वन प्लस थ्री, तो ये ऐड करें तो ऊपर हो जाएगा माइनस वन और नीचे हो जाएगा प्लस के टू, तो ये इन दोनों की क्या हो जाएगी, एडिशन हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर टू था, थ्री को देख लेते हैं। अब थर्ड में क्या कहता है, थर्ड में कहता है कि सी इज इक्वल्स टू, सी में प्लस को मल्टीप्लाई करें। सी, ये क्वेश्चन मुझे रॉन्ग लग रहा है, आप सी में एडिशन करें। चलें सी में ये क्वेश्चन कुछ गलत है, तो इसका मकसद है सी में ऐड करें, आप किसे ऐड करें, देखें माइनस टू को, माइनस टू को, वन को एंड थ्री को ऐड करें। अब सी मैट्रिक्स क्या है, सी तो हमें दिया गया है, व्हाट इज अ सी मैट्रिक्स, देखें ऊपर ये सी मैट्रिक्स दिया गया है। अच्छा जी, सी हमारे पास है वन माइनस वन एंड टू, इसमें ऐड करें आप प्लस किसे, माइनस टू वन एंड थ्री। ऐड करने का तरीका आपको पता है, वन माइनस टू, माइनस वन में प्लस वन और टू में थ्री को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वन ज़ीरो एंड फाइव, तो ये मैट्रिक्स हो जाएगा हमारा एडिशन। चलिए आगे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, डी में इसे ऐड करें, तो डी मैट्रिक्स में प्लस करेंगे हम क्या, क्वेश्चन नंबर फोर में ज़ीरो टू वन ज़ीरो एंड ज़ीरो वन। अब देखें डी क्या है, ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास फोर, देखिए
डी डी ये वाला डी हमें क्वेश्चन से उठाना होगा, ये डी है आपके पास, अब डी में ऐड करना है। डी क्या है, डी है आपके पास 1-1, 2-0 and 3-2 है आपका। इसमें ऐड करें आप, किसे ऐड करेंगे, 0-2, 1-0, 0-1 में ऐड करें। अब देखिए 1 में, इस 1 में ये 0 ऐड करें, 1+0, -1+2 फिर 2+1 और 0+0 and 3+0 and 2+1 इसे ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, ये रिजल्ट हो जाएगा आपके पास 1, ये भी 1, ये 3, ये 0, फिर ये 3 और ये भी 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 4th। 5th में कहता है कि a के साथ स्केलर मल्टीप्लीकेशन का 5th पार्ट को देखा, यानी कि जो आपके पास a मैट्रिक्स है 5th में, a मैट्रिक्स क्या है मेरे पास, -1, 2 and 2 of 1, ये कहता है फाइंड करें 2 ऑफ ए, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो हम इसमें 2 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा देखिएगा -1, 2 and 2 of 1, चलिए मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लीकेशन हम विथ ईच एलिमेंट होती है, -1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि हर एलिमेंट को 2 के साथ मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा -2, 4, 4 and 2, दिस इज व्हाट 5th नंबर में हमने ये करना है। अच्छा 6th नंबर में क्या कहता है, 6th नंबर में ये बड़ी आसान चीज़ें कहता है, कहते हैं -1 को मल्टीप्लाई करें b के साथ। अब -1 मैंने रखा, b मैट्रिक्स कौन सा है, ये वाला b है, तो ये हो जाएगा 1 and -1, इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाला माइनस का हो जाएगा और नीचे वाला पॉजिटिव 1 हो जाएगा, तो ये आ गया इसका रिजल्ट, ये तो बड़े आसान है। अच्छा c के साथ -2 मल्टीप्लाई करें, अब ये आप खुद कीजिएगा, और d के साथ आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है, और 9th में c के साथ 3 को मल्टीप्लाई करना है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 3rd भाईजान, चलें हम अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4। ये कहता है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस, ये इन सारों में आप इंडिकेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म करें। तो मेरे ख्याल से 4th और 5th क्वेश्चंस ये बड़े हैं, और 6th को हम अगले टॉपिक में करेंगे और उसके बाद फिर अगले लेक्चर में करेंगे। सो तब तक के लिए मुझे याद दीजिए, अल्लाह हाफिज़।